सावन के पहले सोमवार पर ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने लाइन में लगकर बारी बारी से बाबा मुक्तेश्वर नाथ को जल चढ़ाया और विधि विधान से पूजा अर्चना किया। श्रद्धालुओं ने बाबा मुक्तेश्वर नाथ से परिवार और संसार के लोक कल्याण की मन्नत मांगी। आपको बता दें कि मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। जगह जगह पर पुलिसकर्मी व केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है, जो श्रद्धालुओं को कतार में लगने के लिए प्रेरित कर रहे थे। जिसके संबंध में मंदिर के पुजारी रमानाथ ने बताया कि सावन के पहले सोमवार के दिन मंदिर में सुबह 3 बजे से ही भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जल चढ़ाए और अपनी मन्नत मांगी। इस मंदिर में सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शिव को भांग, धतूर, बेलपत्र, दूध, दही, मिठाई, फल, श्रद्धालुओं की जो भी भावना होती है वह भगवान शिव को चढ़ाते हैं। वहीं श्रद्धालुओं ने बताया कि सोमवार के दिन जल चढ़ाने से ग्रह पितृदोष दूर होते हैं और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। सोमवार भगवान शिव का दिन होता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जल चढ़ाने आए श्रद्धालुओं एवं मंदिर के पुजारी रमानाथ ने कहा, सर
संदीप श्रीवास्तव। सोमवार को जल चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। यह सोमवार शिव जी का दिन है और हर सावन मास में हम लोग यहाँ आते हैं, एक महीने जल चढ़ाते हैं। मित्र सावन में शिव जी जैसे साक्षात रहते हैं अपने स्थान पे, वो जल चढ़ाने से ज़्यादा मिलता पुण्य। हाँ, ये सिद्धपीठ मंदिर है, यहाँ पे सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। क्या क्या चढ़ाया जाता है? भाई भांग, ददूरा, बेलपत्र, धूप, रीमा धर दुबे मास, पुतली मास है यहाँ, बेलपत्र, दत्तू सब कुछ चढ़ाते हैं। सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मुक्तेश्वर नाथ बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अरे हमको हो गया 2-3 साल आते हुए। बहुत महत्व होता है। प्रमोद कुमार शर्मा। सावन में भगवान शिव जी का पूजा करने से बहुत तरह के लाभ होते हैं, बहुत तरह के मतलब ग्रह दोष दूर होते हैं, बहुत पितृ दोष भी दूर होते हैं, पूरी होती है। बहुत ज़्यादा श्रद्धा है यहाँ पे। बहुत पुराना मंदिर है ये और यहाँ पे मतलब जो भी भक्त अपने मन में मनोकामना लेकर आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती ही है, उसमें कोई संशय नहीं है। सावन के 4 सोमवार जिसमें होते हैं उसको भी खास माना गया, जिसमें 5 सोमवार होते हैं उसको और भी खास माना गया। भगवान जी का सबसे मूल वही है जल, जल तो चुप चढ़ाते हैं, उसके साथ में बेलपत्र है, भांग, धतूरा, ये सब जो है कि मिक्स करके चढ़ाते हैं। सुबह चंद्रमा सावन का मास चल रहा है, इसमें भोलेनाथ का जल चढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए माना गया कि समुद्र मंथन जब हुआ था, जो अमृत मिला था, इसी माह में भोलेनाथ ग्रहण किया था, उसी ग्रहण विष को शांत करने के लिए जल चढ़ाया जाता है। और ये बहुत पुरानी प्राचीन मंदिर है। कितने साल से आ रहे हैं ये? तो मैं समझिए सैकड़ों साल से ऊपर का मंदिर है। सावन का क्या महत्व? सावन का महत्व भोलेनाथ के जल चढ़ाने का होता है। क्या क्या चढ़ाया जाता है उसमें? भोलेनाथ को दूध अर्पण किया जाता है, जल अर्पित किया जाता है, बेलपात्र। महंत मुक्तेश्वरनाथ रमानाथ। सावन का पहला सोमवार है, 3 बजे सुबह से दरवाज़ा खुल गया है, उसके बाद जल चढ़ाने वालों की भीड़ हजारों की संख्या में आ रही है, जा रही है, जल चढ़ा रहे हैं, अपनी अपनी मनोकामना कर रहे हैं, अपनी मनोकामना मांग करके जाते हैं। यहाँ पर बहुत सिद्ध जगह है, जो लोग आते हैं उनकी जो मनोकामनाएँ होती है वो सब पूर्ण हो जाती हैं। सावन में जिससे 9 दिन नवरात्र का होता है माता जी का, उसी तरह से 1 महीने सावन का भोलेनाथ का जल चढ़ाने से पूरे साल भर का फल मिलता है। यहाँ भांग, धतूर, जो इच्छा होती है भक्तों के अंदर, जो जो भावना होती है वो सब लेकर के आते हैं, अपना चढ़ाते हैं, दूध, दही, घी, मौज, चीनी सब कुछ चढ़ाते हैं। प्रशासन की व्यवस्था बढ़िया है यहाँ। ट्रांसपोर्ट नगर चौकी है और CISF की भी व्यवस्था है, सिक्योरिटी, पुलिस की फोर्स की व्यवस्था तगड़ी से तगड़ी है।